सूरजपुर में हाथियों के आतंक से किसान परेशान हैं। हाथियों ने कई किसानों को फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर विधायक फूलन सिंह मरावी ने कहा है कि हमारी सरकार हाथियों की समस्या को लेकर गंभीर है। जहां जहां हाथियों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, उसका मूल्यांकन कराया जाएगा और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं विधायक फूलन सिंह मरावी ने हाथी प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर लाइट नहीं है या फिर लाइट चली जाती है, ऐसे दूर दराज के गाँव के लिए 150 टॉर्च की व्यवस्था कराई है, जिससे हाथी को भगाने और उससे बचने में मददगार होगा। विधायक बहुत जल्द गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों को टॉर्च का वितरण करेंगे। देखिए, जहां जहां पर हाथी प्रदूषण चल रहा है, उस क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार निरीक्षण कर रहा है कि किस क्षेत्र में हाथी चल रहे हैं। जहां जहां किसानों को नुकसान हो रहा है, उसका भी जायजा ले करके और किसानों को नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करके जो उचित उनका मुआवजा होगा उसको भी दिया जाएगा। और मैं एक रोज प्रेमनगर गया था, तारा क्षेत्र में जहाँ पर शिवनगर ग्राम पंचायत है, वहाँ बैठा था, तारा में बैठा था। वहाँ की जनता का आवाज आया कि भाई यहाँ पर कभी कभी लाइट नहीं रहता, हाथी आ जाते हैं गाँव में तो हम लोग को कुदाने में दिक्कत हो रहा है। मैं इस बात को संज्ञान में लेकर के और वन विभाग के अधिकारियों से, उस क्षेत्र में अदानी कंपनी है, उनसे बातचीत करके मैं वहाँ पर 150 टॉर्च का व्यवस्था कराया है।